अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करेंगे न्यूफाउंडलैंड डॉग के बारे में। दोस्तों, न्यूफाउंडलैंड की ब्रीड कनाडा से आती है। कनाडा में एक जगह है न्यूफाउंडलैंड, वहां पे एक और जगह है लैब्राडोर, और लैब्राडोर की ब्रीड भी वहीं से निकली है। तो न्यूफाउंडलैंड की जगह के नाम के ऊपर इन डॉग्स का नाम पड़ा न्यूफाउंडलैंड डॉग। इन डॉग्स को एज अ वर्किंग डॉग ब्रीड किया गया था ताकि ये फिशरमैन को हेल्प कर सके। आपको बता दूं कि न्यूफाउंडलैंड की डॉग ब्रीड स्विमिंग में बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके जो पंजे होते हैं वो भी वेब्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनका बहुत ही घना डबल कोट भी होता है। ये डॉग स्विमिंग में इतने एक्सीलेंट होते हैं कि इनको बहुत सी जगह पे वाटर रेस्क्यू डॉग के तौर पे भी यूज किया जाता है। यानी जब कोई पानी में फंस जाता है तो ये डॉग जाके उसको बचा के बाहर लेके आते हैं पानी से। ये डॉग ब्रीड काफी लार्ज साइज की तो होती ही है, उसी के साथ साथ ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अगर फैमिली डॉग के बारे में बात करें तो न्यूफाउंडलैंड बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, खासकर की बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए काफी जेंटल भी होते हैं, लेकिन इंडिया में न्यूफाउंडलैंड की डॉग ब्रीड को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। ऐसे बहुत ही कम डॉग ब्रीडर्स हैं जो न्यूफाउंडलैंड की डॉग ब्रीड को रखते होंगे। न्यूफाउंडलैंड डॉग की एवरेज हाइट 26 इंचेस से लेकर 28 इंचेस तक हो सकती है, लेकिन ये और भी बड़े लगने लग जाते हैं जब इनके बाल बड़े होते हैं, जिस वजह से ये थोड़े और भी बल्की लगने लगते हैं। न्यूफाउंडलैंड की डॉग ब्रीड को मैस्टिफ और मोलोसर टाइप के डॉग्स में गिना जाता है, जिनमें सेंट बर्नार्ड और इंग्लिश मैस्टिफ और दूसरे मैस्टिफ टाइप के डॉग ब्रीड भी आते हैं। कुछ ब्रीड हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि पोर्तुगीज फिशरमैन जब कनाडा गए थे अपने साथ पोर्तुगीज मैस्टिफ को लेके, तो वहां पे उन डॉग्स की कनाडा के किसी रिट्रीवर टाइप के डॉग्स के साथ ब्रीडिंग हुई। न्यूफाउंडलैंड अपने लार्ज साइज और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी की वजह से अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं। इनके बारे में बहुत सी स्टोरीज भी फेमस है, जिनमें से एक है जॉन बुकनन की। जॉन बुकनन एक यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उनके पास एक न्यूफाउंडलैंड थी जिसका नाम था लारा। तो लारा व्हाइट हाउस में बहुत ही घंटों तक सोती रहती थी और अपनी एक आंख खोल के और एक आंख बंद करके, जिससे वो बुकनन के ऊपर नजर रख सके और उसको गार्ड करती रहे। न्यूफाउंडलैंड ने अपनी स्विमिंग एबिलिटीज की वजह से भी बहुत से लोगों की जान बचाई है। एक बार तो डिस्कवरी चैनल ने भी ये कवर किया था कि एक अकेले न्यूफाउंडलैंड डॉग ने 63 पानी में फंसे हुए लोगों को बचाया, और वो भी एकदम अकेले। न्यूफाउंडलैंड काफी भारी भरकम डॉग होते हैं, और इनमें मेल्स का एवरेज वेट 65 से लेके 80 केजी तक होता है, और फीमेल्स का एवरेज वेट 55 से लेके 65 केजी तक होता है। लेकिन अब तक का सबसे भारी न्यूफाउंडलैंड करीब 120 केजी का था, जो कि एक रिकॉर्ड है। इनका इतना हैवी डबल कोट होने की वजह से शेडिंग सीजन के टाइम न्यूफाउंडलैंड के ओनर को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनके बाल जब झड़ते हैं तो घर में हर जगह बाल ही बाल बिखरे रहते हैं, इसीलिए शेडिंग सीजन के टाइम और नॉर्मली भी इनको रेगुलर ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है ताकि इनके कोट को अच्छे से मेंटेन रख सके। ये डॉग ब्रीड 3 कोट कलर में पाई जाती है, एक है ब्लैक, एक है ब्राउन और एक है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको लैंड सीर कहा जाता है। न्यूफाउंडलैंड एक काफी हेल्दी डॉग ब्रीड है, लेकिन एक बड़ी डॉग ब्रीड होने की वजह से जब इनकी एज हो जाती है तब इनको हिप डिस्प्लेसिया और एल्बो डिस्प्लेसिया जैसी बीमारियां भी हो सकती है। इनकी एवरेज लाइफ स्पैन 10-12 ईयर्स तक होती है, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि न्यूफाउंडलैंड 15 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एपिसोड न्यूफाउंडलैंड डॉग के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।